प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी लेकर नहीं आए हैं, आज हम हरितालिका तीज व्रत पूजा की विधि बताएंगे, कैसे पूजा करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। तो सबसे पहले हम चौकी बिछाएंगे और चौकी पर सूती कपड़ा रखेंगे लाल कलर का, और इस तरीके की मिट्टी की मूर्ति ले लिए हैं जिसमें भोले बाबा जी हैं और माता पार्वती, बीच में गणेश जी बैठे हुए हैं। अब हम भगवान जी में लाल रंग का कपड़ा चढ़ाएंगे, चंदन घिसेंगे और चंदन में हम थोड़ा रोली डाल देते हैं, दीपक जला लेते हैं और दीपक देसी घी का जलाएंगे, धूप बत्ती जला लेंगे। अब हम दीपक धूप बत्ती भगवान जी के सामने रख देते हैं और गंगा जल से स्नान कराएंगे भगवान जी में। तो भोले बाबा माता पार्वती गणेश जी में हमने स्नान करा दिया और अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लिए हैं। अब हम भोले बाबा में चंदन लगाएंगे, गणेश जी में चंदन लगा देते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती में हम बेल की पत्ती चढ़ाएंगे और बेल की पत्ती में चंदन लगाएंगे। आप इस तरीके चंदन लगा दीजिए या तो ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ये हमने भोले बाबा को बेल की पत्तियां चढ़ा दिया। अब हम फूलों की माला चढ़ाएंगे भगवान जी में, फूल भी चढ़ा देते हैं। अब हम माता पार्वती में पीला रंग का सिंदूर लगाएंगे, पीला रंग शुभ माना जाता है। और ये हमने गौरी गणेश ले लिया है, गौरी गणेश में सिंदूर लगा देते हैं। भोले बाबा को भांग की पत्तियां चढ़ा देते हैं, भोले बाबा को बहुत ही पसंद है, और धतूर का बीज चढ़ा देते हैं। अगर आपके पास धतूर हो धतूर चढ़ा दीजिए या बीज सुखा के चढ़ाइए। शमी की पत्ती चढ़ा देते हैं। माता पार्वती में तुलसी की पत्ती चढ़ा देंगे। अब हम फल चढ़ा देंगे, सेब चढ़ाएंगे, मेवे चढ़ाएंगे, मेवे में जैसे काजू बादाम छुहारा मखाना गरी, ये हमने भगवान जी में चढ़ा दिया मेवा। केला चढ़ाएंगे, अब हम भगवान जी को मीठा खिलाएंगे। भोले बाबा में खिला दिए, गणेश जी में खिला दिए, माता पार्वती को भी खिला दिए हैं। अब हम नारियल चढ़ाएंगे, माता पार्वती में तिल की पत्तियां चढ़ा देते हैं, इससे माता पार्वती बाल धुली थी और यह शुभ माना जाता है। मेहंदी की पत्तियां चढ़ा देते हैं, माता पार्वती में सुगंधित तेल चढ़ा देते हैं, माता पार्वती को बिंदी लगाएंगे, बाकी बिंदी हम माता पार्वती में चढ़ा देते हैं, मेहंदी चढ़ा देते हैं, चूड़ियां चढ़ाएंगे, कान की बालियां चढ़ा देते हैं, पीला सिंदूर चढ़ाएंगे। सीसा चढ़ाएंगे, काजल चढ़ा देते हैं, कंघी चढ़ाएंगे, सिंधौला चढ़ा देंगे, माता पार्वती में छीर चढ़ा देते हैं, लाल कलर चढ़ा देंगे जो पैर में लगाया जाता है, ये सभी श्रृंगार का सामान है, बिछिया चढ़ा देते हैं, चूड़िया चढ़ा देते हैं। और भोले बाबा में हम जनेऊ पहना देते हैं। अब हम भगवान जी में पान चढ़ाएंगे, तो हमने एक पान ले लिया है और एक सुपारी रख लेते हैं, एक छोटी इलायची, इसे इस तरीके हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से लौंग लगा देते हैं इस तरीके, और इसे भगवान जी में हम चढ़ा देते हैं। हाथों में फूल काला तिल चावल लेकर भगवान जी का प्रार्थना करेंगे।
अब हम भगवान जी में फूल चावल काला तिल छिड़क देते हैं। भगवान जी में 11 रुपया चढ़ा देते हैं। आप 11 रुपया चढ़ाइए या 5 रुपया चढ़ाइए या 51 रुपया चढ़ाइए। अब हम भगवान जी में जलता हुआ दीपक और धूप बत्ती से आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद अब हम हरिताल का तीज कथा पढ़ेंगे। तो कथा में जो भगवान जी की तस्वीर है उसमें हम चंदन लगा देते हैं। माता पार्वती में सिंदूर लगा देंगे। अब हम किताब में गंगा जल छिड़क देते हैं। अब हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले हाथों में फूल चावल काला तिल लेकर हम कथा पढ़ेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित अल्पों वाली और दिव्य वस्त्र धारण करने वाली श्री पार्वती जी को और मुंडों की माला से के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप यह संदेश लेकर भी आए हैं तो मैं उन्हें ही आपकी कन्या दूंगा। यह सुनकर नारद जी आकाश में अत्रि जी के साथ ही तुम्हारा विवाह कराऊंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर आई और मेरे साथ तुम्हारा विवाह। शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याण कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपी आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्माचारिणी हो जगत की धारिणी धात्री शिव। दही खाने से मिली, मिठाई खाने से चीटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मच्छिका मक्खी के जन्म में आती है। उस दिन सोने से अजगरी और पति को ठगने से कुकुट्टी मतलब मुर्गी होती है। शिव जी बोले इसी कारण सभी स्त्रियों को अत्यंत पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। दूसरे दिन स्वर्ण तांबा अथवा बांस मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है और पृथ्वी में विविध भोग भोग कर अंत में सुयोध मुक्ति पाती है। यह कथा सुनने से स्त्री को हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी इस प्रकार मैंने यह सब व्रतों के उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण से स्त्रियां सब पापों से ही संकल्प छूट जाती है। हरिताल का तीज का व्रत समाप्त हो गया है। जय हरिताल का तीज। हरिताल का तीज कथा समाप्त हो गई है। अब हम फूल चावल काला तिल भगवान जी में छिड़क देते हैं। अब हम भगवान जी में गंगा जल छिड़क देते हैं। आरती दोबारा कर लेंगे। अब हम भगवान जी में माथा टेकेंगे और अपने पति जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हरिताल का तीज पूजा हमारी समाप्त हो गई है और धरती माता में जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते समय हर हर महादेव बोलेंगे। पूजा करने के बाद हम भगवान जी में जल चढ़ाएंगे। जैसे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ठीक उसी तरीके जल चढ़ा के शरबत पियेंगे। एक सांस में जितना पी सको उतना शरबत पीना चाहिए। फिर अगले दिन फिर पूजा करेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में।